नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। प्रेगनेंसी का दूसरा आपका महीना स्टार्ट हो चुका है। दूसरे महीने में जैसे ही आप एंटर करते हो, आपको पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है। कई बार ऐसा होता है कि आपको दूसरे हफ्ते के आधे महीने तक पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे महीने के आधे महीने तक तो आपको टेंशन में ही रहते हो कि आप प्रेग्नेंट हो भी या नहीं हो, या आपकी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, बिकॉज आपके बच्चे की हार्ट बीट, कभी कभी बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए। आपके बच्चे की हार्ट बीट ज़रूर आ जाएगी, बिकॉज 90% केसेस में आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही होती है। अगर आपका बच्चा हेल्दी है और आपके बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है, जैसे कि पहले अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है, फिफ्थ अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहले तो मैंने बात की कि अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है तो कैसा आपका मंथ बीतता है, बट अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है और आपका बच्चा हेल्दी है, आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी है, तो आपकी सारी मेडिसिंस भी स्टार्ट कर दी जाती हैं। आपके अगर इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं, बिकॉज कई बार आप अगर आपके पहले अबॉर्शन हो चुके हैं तो कई बार आपको वीकली इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि मोस्टली थर्ड मंथ तक आपको रेगुलरली पर वीक लगेंगे। और ये थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल होता है आपके लिए, बिकॉज मुझे भी ये एक्सपीरियंस हुआ है और थोड़ा सा पेनफुल होता है, बट ये कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कितनी होती है। बच्चा बहुत ही, आपका जो भ्रूण है वो बहुत ही छोटा होता है, कुछ सेंटीमीटर्स का आपका भ्रूण होता है। तो आपको अब बात करते हैं कि क्या आपको हलचल महसूस होगी या नहीं होगी। तो कुछ सेंटीमीटर्स का ही आपका भ्रूण होता है, उसके हाथ पैर बनने लग जाता है, स्ट्रक्चर बनने लग जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है प्रॉपर। तो आपको थोड़े टाइम बाद आप देखने को मिलेगा, NTNB स्कैन में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद एनुअली स्कैन में आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। पर वीक ही आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, विकास बहुत अच्छे से होने लगता है अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो। हाथ पैर कान नाक ये सारी चीज़ें बनने लग जाती हैं, स्ट्रक्चर रेडी होने लग जाता है, फिंगर्स जैसे इस तरीके से चिपकी हुई होंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट हुआ है, स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ है, ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे होगा। तो इस तरीके से आपके बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब मैं बात करती हूँ कि आपके साथ साथ क्या क्या होगा। तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। आपको फिलहाल पता चला है कि आपने कंसीव कर लिया है, आप प्रेग्नेंट हो, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, आप इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, जैसे कि सर में दर्द हो गया या हल्का फुल्के आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं, पेट में दर्द देखने को मिल सकता है, फीवरिश रह सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज थोड़े से हमारे लिए फीवर टाइप के होते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, हमारे बॉडी चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो इस टाइम पे आपको, स्टार्टिंग आपके प्रेगनेंसी की होती है तो इस टाइम पे तो आपको बहुत फीवर जैसा लग सकता है आपको, कि आपको फीवर है, या मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, आपका नोजिया बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है कि आपको इवनिंग में बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, बिल्कुल भी आपको कुछ करने का मन ना करे। तो ये सारे चेंजेस हैं, ये सारे आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके डॉक्टर की विजिट अभी मंथ वाइज चलेगी, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके प्रेगनेंसी बढ़ेगी वैसे 15 डेज पर होगी, और लास्ट के ट्राइमेस्टर में आपको, लास्ट के मंथ में आपको पर वीक डॉक्टर की विजिट करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपके स्टार्टिंग के मंथ्स चल रहे हैं, तो आपकी स्टार्टिंग की मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी होगी, जैसे कि आयरन हो गई, कैल्शियम हो गई, अगर आपकी बॉडी वीक है तो। और आपकी फॉलिक एसिड मस्ट है, फॉलिक एसिड तो आपकी, अगर आप प्री प्लान प्रेगनेंसी है तो पहले से ही आपकी फॉलिक एसिड स्टार्ट होगी, बट अगर आप प्रेग्नेंट होने के बाद डॉक्टर की विजिट की है तो आपकी फॉलिक एसिड अभी से स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आपका दूसरा महीना चल रहा होगा। सो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी है, यूज़फुल लगी है। तो पर मंथ की मैं वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी कि मंथ थर्ड आपका कैसा होने वाला है, आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर कब स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, विदाउट सब्सक्रिप्शन मत जाइएगा, बिकॉज मुझे, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाना, वीडियो शेयर करना। सो टिल देन टेक केयर, अपना और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए जिससे कि आपको मूड स्विंग्स कम हो और पैरों में दर्द ये सारी चीज़ें ना हो। सो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।